हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रियल सीक्वेंस मीन रियल एनालिसिस में सीक्वेंस टॉपिक से रिलेटेड एक थ्योरम का प्रूफ करने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली आपके सेशनल एंड सेमेस्टर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी एग्जाम्स स्टार्ट भी हो रहे हैं। साथ ही साथ ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसके इंप्लीमेंटेशन का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, बेसिकली वहां से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस काफी बनते हैं। तो आप इसको देखिएगा, क्योंकि अब की कई यूनिवर्सिटीज में ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर भी होना है और साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव पेपर्स तो होते ही रहते हैं, और सीक्वेंस का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट बनता है। तो सिंपली आज की जो हम लोग की थ्योरम है उसका स्टेटमेंट है, एवरी बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। इसका दूसरा ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरी मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस मतलब वही चीज है कि इज कन्वर्जेंट। बस इसका जो बट इस थ्योरम का जो कंप्लीट एक मॉडरेट स्टेटमेंट बनता है वो ये बनता है कि एवरी मोनोटोन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ बाउंडेड। मतलब कोई भी अगर मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जिंग होगी, और साथ ही साथ अगर कोई भी मोनोटोन सीक्वेंस कन्वर्जिंग है तो वो बाउंडेड भी होगी। मतलब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को इम्प्लाइज करेंगे। लेकिन जो इसका यहाँ पर एक चीज हम लोग तो प्रूफ ही करने वाले हैं कि बाउंडेड मोनोटोन कन्वर्जेंट होगी, लेकिन अगर आपको कोई मोनोटोन कन्वर्जेंट को बाउंडेड दिखाना है तो इसका प्रूफ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक सीक्वेंस हम लोग एक थ्योरम हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि एवरी कन्वर्जिंग सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो उसका मतलब है कि जब सारी कन्वर्जिंग बाउंडेड होती हैं तो मोनोटोन कन्वर्जिंग भी बाउंडेड होंगी ही होंगी। सिंपल सी चीज़ है। हालांकि आज की थ्योरम के प्रूफ पे जाते हैं, आज बेसिकली हम लोग थ्योरम के प्रूफ पे बात करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह पे थोड़ी बहुत बात भले ही कर लेंगे। देखिए इसके प्रूफ से ही क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं उसका आइडिया निकलता है। सिंपल सी चीज़ है कि आपको सिंपल सी चीज़ है कि एक मोनोटोन और बाउंडेड सीक्वेंस दे रखे हैं, आपको कन्वर्जेंट शो करनी है, है ना। देखिए मोनोटोन सीक्वेंस क्या होती है, देखिए कोई भी थ्योरम का जो प्रूफ होता है आपकी बुक में भी होगा, हर जगह होता है, बट बेसिकली उसका कैसे आप उसको समझते हो, समझने के लिए सिंपल सी चीज़ है कि वहाँ जितनी भी टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं आप सबको क्लियरली समझो, तो फिर आपको जो उन्होंने अपनी तरफ से इक्वेशंस वगैरह बनाए होंगे वो खुद आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हर एक टर्मिनोलॉजी को सबसे पहले समझते हैं जो हमारी थ्योरम के स्टेटमेंट में है, जैसे मोनोटोन, बाउंडेड और कन्वर्जेंस। रियल सीक्वेंस है, रियल सीक्वेंस का मतलब हम जानते हैं कि हमारी कोई भी अगर सीक्वेंस होगी तो मान लेते हैं ये हमारी अगर सीक्वेंस है, इसके ये टर्म है x1, x2, x3, x4, इस तरह करते करते xn और फिर आगे जितने भी टर्म होंगे ये सब रियल नंबर होंगे, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर का एक सबसेट होगा, है ना। दूसरी चीज़ है कि हमारी सीक्वेंस मोनोटोन है। मोनोटोन होने का क्या सेंस होता है, ऐसी सीक्वेंस जिनका वन डायमेंशनल या वन डायरेक्शनल फ्लो हो। डायरेक्शनल फ्लो कहने का क्या मतलब है कि देखिए बेसिकली दो तरीके की मोनोटोन होती हैं। फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग, ये बेसिक पार्ट है इंक्रीजिंग, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं नॉट डिक्रीजिंग। मतलब ऐसी सीक्वेंस जो एज वी आर इंक्रीजिंग इट्स टर्म, मतलब हम जैसे जैसे इनके टर्म में आगे बढ़ते जाते हैं इसके टर्म्स की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज करती जाए। मतलब x1 जैसे फर्स्ट टर्म x1 था तो जो नेक्स्ट टर्म आए वो इससे छोटा नहीं हो सकता। नॉट डिक्रीजिंग कहने का क्या मतलब, इंक्रीजिंग या फिर नॉट डिक्रीजिंग कहते हैं, मतलब इससे छोटा नहीं हो सकता, मतलब वो इससे या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, इससे बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, इससे बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, इस तरह करते हुए ये सीक्वेंस, ये कैसी सीक्वेंस हो गई, मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। व्हाई, बिकॉज एवरी नेक्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन, मींस एवरी नेक्स्ट टर्म इज नॉट लेस देन दियर प्रीसीडिंग टर्म, मतलब वो अपने पीछे के टर्मों से छोटा नहीं होगा। जैसे मान लो ये रहा होगा 2, तो ये 1, ये 1/2 हो सकता है, ये भी 1/2, मतलब इक्वल हो सकता है, डिक्रीज नहीं करना चाहिए। दूसरी होती है डिक्रीजिंग, दूसरा क्या होता है डिक्रीजिंग। अब आप समझ ही गए होंगे कि इंक्रीजिंग में टर्म आगे बढ़ते हैं तो इसमें टर्म पीछे घटते हैं। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि फर्स्ट टर्म उससे छोटा सेकेंड, उससे छोटा थर्ड, तो फिर nth टर्म और छोटा, इस तरह करते करते ये सीक्वेंस आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये हम लोग का बेसिकली थ्योरम का स्टेटमेंट है, सॉरी ये मतलब हम लोग का मोनोटोन सीक्वेंस है। मतलब आपको एक ऐसी सीक्वेंस दे रखी है जिसके ये टर्म है ये रियल नंबर में होंगे, साथ ही साथ इसमें इन दोनों में से एक ना एक कोई कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कंडीशन लेके चलेंगे कि लेट अस कंसीडर, मतलब हम लोग दोनों पार्ट्स करेंगे तो दोनों पार्ट में मोनोटोन में कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग दोनों के लिए प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग प्रूफ के लिए हम लेके चलेंगे कि सिंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोनोटोन सीक्वेंसेस, सो फर्स्ट वी कंसीडर दैट आवर सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग मोनोटोन टाइप। मतलब पहले में हम लोग क्या लेके चल रहे हैं कि आवर सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग मोनोटोन। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी इस सीक्वेंस की क्या प्रॉपर्टी है, दूसरी इस सीक्वेंस की प्रॉपर्टी यह है कि यह बाउंडेड है।
बाउंडेड कहने का क्या सेंस होता है कि इसके पास एक अपना अपर बाउंड होगा और इसका एक अपना लोअर बाउंड होगा, मतलब सीधी सी चीज है कि इसके पास एक इन्फीमम होगा और एक सुप्रीमम होगा। अगर आप अपनी सीक्वेंस को देखो तो इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म से बड़ा सेकंड से बड़ा थर्ड, मतलब लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, तो इन्फीमम तो फर्स्ट टर्म होगा। लेकिन अब जरा सुप्रीमम, जब आपकी सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो आप जरा अगर सुप्रीमम के बारे में सोचो तो सुप्रीमम क्या होता है, मतलब इन्फीमम की भी वैसी ही डेफिनेशन है, लेकिन इन्फीमम के बारे में यहां पर ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म ही इसका इन्फीमम हो जाएगा क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। अगर आप इसके सुप्रीमम के बारे में सोचो तो इसका सुप्रीमम क्या होगा या फिर इसका क्या होगा, इससे पहले जरा थोड़ा सुप्रीमम की डेफिनेशन जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक सीक्वेंस, ये आपकी रियल लाइन है सिंपली, ये आपके सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म था, ये थर्ड टर्म था, ये फोर्थ टर्म था, ये फिफ्थ टर्म था, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ऐसे बढ़ते जा रही है, ठीक। सुप्रीमम क्या होगा, सुप्रीमम कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा पॉइंट होगा या एक ऐसा रियल नंबर होगा जिससे आपके सीक्वेंस के सारे टर्म्स छोटे होंगे। लेकिन इतनी ही इंफॉर्मेशन सुप्रीमम के लिए इनफ नहीं है, वरना आपने कहा कि यहां तक आपके सीक्वेंस के टर्म पहुंचते हैं, मैंने कहा यह भी क्या सुप्रीमम है, नहीं, विच वॉज द लीस्ट इन इट्स अपर बाउंड, जो इनके अपर बाउंड में सबसे छोटा होगा वो इसका क्या कहलाएगा, सुप्रीमम। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आपकी रियल सीक्वेंस यहां तक पहुंची तो जस्ट नेक्स्ट वन इज योर सुप्रीमम, या फिर हो सकता है कि जहां तक पहुंची जो उसका लास्ट टर्म है वही उसका सुप्रीमम हो, है ना। तो सुप्रीमम मे बी इन द सीक्वेंस और नॉट, वो सीक्वेंस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बेसिकली इनफाइनाइट सीक्वेंस में सुप्रीमम कहां होगा ये आप समझ सकते हो। बट अगर सुप्रीमम ये है तो इसके जस्ट पहले का आप रियल नंबर बिल्कुल चूज कीजिए, बिल्कुल बगल वाला, मतलब अगर इसका सुप्रीमम आप मान लिए 2.71 है तो अब इसके जस्ट पहले जो भी रियल नंबर होता होगा 2.70 फिर 99999 वो ही भी इस सीक्वेंस का टर्म होगा, तभी ये इसका सुप्रीमम बना। जबकि आप ऐसे भी कह सकते हो कि यही इसका सुप्रीमम है, अगर आप इसी के बारे में नॉलेज ले लो कि ये क्या है तो यही इसका सुप्रीमम है। आई थिंक मैं अपनी बात डिलीवर्ड कर पा रहा हूं, मेरे कहने का सिंपल सा ये सेंटेंस है कि अगर आप का सीक्वेंस एक डेफिनेट नंबर से हमेशा छोटा रहेगा वही उसका सुप्रीमम है, लेकिन ये भी सबसे छोटा है, ये चीज यूज होगी, इसलिए यहां पर थोड़ा मेहनत कर रहे हैं कि अगर ये सुप्रीमम है तो मतलब यहां तक के पॉइंट आपके सीक्वेंस में है, ये चीज थोड़ा इंप्लीमेंट होगी और यही चीज आपको कंफ्यूज कर रही होगी अगर आपने प्रूफ देखा होगा तो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये जो सुप्रीमम है ये एल है, ठीक है। तो अवर सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग मोनोटोन, मींस दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस, सो वी आर अप्रोचिंग इन नेक्स्ट लेवल, मतलब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की चीज क्या है कि सिंस गिवन दैट अवर सीक्वेंस, सिंस गिवन दैट अवर सीक्वेंस इज बाउंडेड, देखिए मैं बेसिकली कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, इज बाउंडेड सो इट हैज इन्फीमम एंड सुप्रीमम इन आर। क्यों आर में इसका इन्फीमम और सुप्रीम होगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि सीक्वेंस जो होगा वो रियल नंबर का सबसेट होगा, और अगर सीक्वेंस के टर्म रियल नंबर के सबसेट हैं तो आप जानते हो कि रियल नंबर एक कंप्लीट सेट होता है, मतलब उस पर कहीं पर ब्रेकिंग नहीं होती, पूरी रियल लाइन होती है। अब इसमें का कोई सबसेट लोगे तो उसका सुप्रीमम भी रियल नंबर में होगा, तो मतलब इसका इन्फीमम और सुप्रीमम कहां में होगा, आर में होगा, मतलब रियल नंबर में होगा। तो अगर इसका सुप्रीमम और इन्फीमम रियल नंबर में है, बाउंडेड है, तो मतलब फाइनाइट होगा कुछ इन आर। तो अभी देखिए इन्फीमम की बात हमने कहा, चूंकि हमारा इंक्रीजिंग टाइप का मोनोटोन है तो हमको इन्फीमम की बात नहीं करनी है क्योंकि इन्फीमम इज द फर्स्ट टर्म, बट हमें सुप्रीमम की बात करनी है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, मिटा देते हैं, मेरे हिसाब से मैंने सारी चीजें समझा ही दी, कि हम सपोज कर लेते हैं कि लेट सुप्रीमम ऑफ अवर सीक्वेंस, अच्छा आप यहां पर कंसीडर कर लीजिएगा कि आपकी सीक्वेंस xn है, वैसे आपके थ्योरम में सब कुछ लिखा ही होगा, मेरा मेन काम है एक्सप्लेन करना। सुप्रीमम ऑफ xn इज इक्वल टू एल, एल हमारे सीक्वेंस का क्या है, हमने मान लिया सुप्रीमम, ये सुप्रीमम है, तो मतलब वही चीज है, एल यहां पर होगा तो इसके जस्ट पहले तक का टर्म हमारी सीक्वेंस में होगा। तो अगर एल आपका सुप्रीमम है तो ये इंप्लाइज करेगा दैट xn
इज लेस देन आर इक्वल टू एल फॉर ऑल एन इन नेचुरल नंबर्स, है ना। मतलब सीधी सीधी नेचुरल नंबर्स का मतलब 1, 2, 3, मतलब हमारे सीक्वेंस के हर एक टर्म एल से या तो छोटे होंगे या तो बहुत ज्यादा इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है हमारा सुप्रीम हमारे सीक्वेंस में बिलोंग करता हो सिंपली। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग को क्या मिल गया, एल मिल गया, क्या आपका सुप्रीमम मिल गया। अच्छा एल अगर आपका यहां पर सुप्रीमम मिल गया, एन कोई भी, मतलब सिंपल चीज है, कोई भी आप नेचुरल नंबर लो तो वो उससे बड़ा होगा। अच्छा दूसरी चीज क्या है कि नाउ वी कंसीडर एप्साइलन इज ग्रेटर देन जीरो इन आर, ठीक है। एप्साइलन एक हमने रियल नंबर इंट्रोड्यूस किया जो कि जिसकी सिर्फ प्रॉपर्टी यह है कि रियल नंबर में पॉजिटिव है, कुछ भी हो सकता है, सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकता है लेकिन पॉजिटिव है। तो अगर हमने मान लीजिए देन दिस इंप्लाइज, तो क्या होगा कि अगर अब आप समझिए कि एल है, तो एल में अगर हम एल प्लस एप्साइलन एड कर दें तो ये इससे छोटा होगा कि नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर है और ये एल में ऐड हो रहा है, तो ये इससे क्या होगा, एल छोटा होगा ना। मतलब जैसे एल की वैल्यू 1 है तो ये 1.0000001 भी होगा, तब भी ये छोटा पड़ जाएगा ना 1। हाँ तो अब देखिए इसका क्या मतलब होगा कि आपका जो xn है, xn इज लेस देन एल प्लस एप्साइलन फॉर ऑल n इन नेचुरल नंबर, क्योंकि क्यों, क्योंकि xn l से छोटा है, l इससे छोटा है, तो मतलब xn इन दोनों से छोटा होगा। इट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ आ रही ना बात। xn इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू l एंड l इज लेस देन l प्लस एप्साइलन, दैट मींस xn इज लेस देन l प्लस एप्साइलन। दूसरी ओर चलिए। अच्छा अब दूसरी चीज, मैंने जो चीज कही थी कि अगर l यहां पर है, ये हमारी सीक्वेंस का सुप्रीमम है, तो मतलब आपके सीक्वेंस में यहां तक के टर्म होंगे ही होंगे, मतलब इससे आप जस्ट छोटा रियल नंबर भी अगर आप सपोज करके चलते हो तो वो भी आपके सीक्वेंस में होगा ही होगा। बात समझ आ रही ना। मतलब अब देखिए इसका इंप्लीमेंटेशन हम लोग कैसे करने वाले हैं कि अगर l प्लस एप्साइलन है ना, अब थोड़ा सा जरा हम एनालाइज करना चाहते हैं l माइनस एप्साइलन। एप्साइलन एक पॉजिटिव रियल नंबर है, छोटा से छोटा कितना भी छोटा हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप सिंपल सी चीज लीजिए, अगर आप इससे एप्साइलन पीछे आए, वो छोटा से छोटा रियल नंबर भी होगा। समझ आ रही ना मेरी बात। चूंकि l क्या है, वो आपके सीक्वेंस में या तो लाई कर रहा होगा और या तो क्या होगा, वो आपके सीक्वेंस से जस्ट नेक्स्ट रियल नंबर होगा। अब इससे आपने जस्ट छोटा सा भी अगर रियल नंबर घटा दिया तो क्या दिक्कत हो जाएगी कि ये आपके सीक्वेंस के कुछ टर्म से या फिर एटलीस्ट 1 टर्म से छोटा हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई। बिल्कुल बाउंड्री पे एल था, एल से थोड़ा भी दाएं मूव करे और वो सीक्वेंस का टर्म उसके जस्ट बाएं मूव करने पर होगा भी। क्यों होगा, क्योंकि अगर उसके जस्ट बाएं में सीक्वेंस का टर्म नहीं होता तो ये सुप्रीमम बन पाते भाई साहब, कभी नहीं बन पाते। क्यों, अगर इसके बाएं में सीक्वेंस का टर्म नहीं है तो इसके बाएं वाला इसका सुप्रीमम नहीं बन जाएगा। मतलब अगर आपने कहा ये आपका सुप्रीमम है और कहा ये हमारे सीक्वेंस में नहीं है, तो भैया तो इसको क्यों सुप्रीमम बना रहे हो, इसको सुप्रीमम बनाओ ना। इन्होंने कहा इसके बगल वाला भी सीक्वेंस में नहीं है तो कहा इसको सुप्रीमम बनाओ ना, जब इससे भी छोटे आपके सीक्वेंस के अभी टर्म है। आई थिंक मैं अपनी बात को डिलीवर कर पाया होगा। तो अगर हम एल माइनस एप्साइलन के लिए बात करें तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देन दियर एग्जिस्ट आ, इसको ऐसे लिख दें, एन जीरो इन नेचुरल नंबर्स विच सेज दैट, देखिए हम कहना क्या चाहते हैं पहले लिख लेते हैं, विच सेज दैट एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन जीरो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन जीरो इंप्लाइज दैट एक्स एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एल माइनस एप्साइलन, ठीक है, ग्रेटर देन एल माइनस एप्साइलन, सिंपल। अब बात ये थोड़ी समझ में एक बार समझा देते हैं। हमने कहा ये एल है, इससे आप थोड़ा सा भी बाएं आए, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर सब्सट्रैक्ट किया, तो कुछ टर्म्स ऐसे होंगे हमारे सीक्वेंस के जो इससे आगे निकल गए होंगे। हमने माना कि 5 टर्म आगे निकल गए, तो जस्ट 5 पहले का टर्म मान लिया एन जीरो। बात समझ आ रही,
मतलब एन जीरो यहां पर क्या है, यही कंफ्यूजन होगा आपको। एल माइनस मतलब मेरे हिसाब से मैं इस चीज को तो आपको समझा ले गया कि कुछ ऐसे आपके सीक्वेंस के टर्म होंगे जो एल माइनस एप्सिलॉन से छोटे हैं, ये कौन से टर्म है जो एन जीरो से बड़े हैं। तो अब शायद आपको एन जीरो भी क्लियर हो रहा होगा। एन जीरो क्या है, मतलब जैसे आपके सीक्वेंस का ये एल है, ये इतना बड़ा आपने एप्सिलॉन लिया, तो अब इसके आगे आपके सीक्वेंस के जितने टर्म है वो क्या है एल माइनस, ये पॉइंट क्या हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन, वो एल माइनस एप्सिलॉन से छोटे हैं, तो यहां पर जो टर्म होगा यही क्या है एन जीरो। ठीक है, आपने एप्सिलॉन छोटा लिया तो अब यहां तक आपके सीक्वेंस के जितने टर्म आए वो क्या है एन जीरो, मतलब अब आप एन जीरो के आगे पहुंचेंगे तो एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा पाएंगे। ये क्या हो गया आपका स्टेटमेंट टू। फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन कर दीजिए, तो दोनों को कंबाइन करने से क्या है कि ये स्टेटमेंट फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स ट्रू है, ये स्टेटमेंट फॉर सम नेचुरल नंबर्स ट्रू है। तो मतलब जब दो स्टेटमेंट कंबाइन होंगे तो दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिए जाएंगे। ठीक, जैसे ये 1, 2, 3 के लिए सही है, ये सिर्फ 3 के लिए सही है, तो दोनों स्टेटमेंट एक साथ जुड़ के सिर्फ 3 के लिए ही ट्रू होंगे। तो मतलब तो फ्रॉम स्टेटमेंट या फिर इक्वेशन जो भी आप लिखते हो, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 xn, देखिए एक जगह पे हमने क्या दिखाया कि xn इज लेस देन l माइनस एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन, सॉरी ये l प्लस एप्सिलॉन एंड l माइनस एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर देन n जीरो, वेयर n जीरो इज इन नेचुरल नंबर। सिंपल। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और l को हर तरफ से हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। l को हम लोग हर तरफ से क्या कर देते हैं सब्सट्रैक्ट, यहां से भी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का एप्सिलॉन इज लेस देन xn माइनस का l लेस देन प्लस का एप्सिलॉन। ठीक है, l को हर तरफ सब्सट्रैक्ट किया, तो यहां सब्सट्रैक्ट किया तो ये कट गया, यहां सब्सट्रैक्ट किया तो ये देखिए आ गया, यहां सब्सट्रैक्ट किया तो ये देखिए कट गया। तो अब आप यहां पर देखो जो ये टर्म है xn माइनस l, यहां पे ये भी लिख लेना फॉर n इज ग्रेटर देन n0 वेयर n0 इज इन नेचुरल नंबर। ठीक, मिटा दें। अब देखिए xn माइनस l माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में है, इसके कहने का क्या मतलब है कि मतलब जैसे हम क्या है माइनस 2 इज लेस देन 0 इज ग्रेटर देन 2, ये हाँ ठीक है, तो जीरो, अब यहां पर इसको जीरो नहीं लेता हूं मैं, इसको माइनस वन लेता हूं ना, कि माइनस टू जो है माइनस वन से छोटा है और माइनस वन टू से छोटा है, मतलब टू के प्लस माइनस से ये छोटा है और प्लस से छोटा है, तो इसका मतलब है कि मॉड ऑफ माइनस वन इज लेस देन मॉड ऑफ टू। ठीक है, सिंपल चीज क्या है कि अगर कोई भी नंबर कोई भी नंबर किसी नंबर के पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में है तो मतलब वो उसके मॉडुलस से छोटी होगी। जैसे ये देखिए माइनस वन जो है माइनस टू और टू के बीच में थी, तो माइनस वन का मॉडुलस टू के या माइनस टू के मॉडुलस से छोटा होगा। तो वैसे ही यहां पर भी एक्स एन माइनस एल माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में है, तो मतलब जो एक्स एन माइनस एल का मॉडुलस होगा वो एप्सिलॉन के मॉडुलस से या फिर पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो उसका मॉडुलस मतलब एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन से स्मॉल होगा फॉर सम सॉरी फॉर एन इज ग्रेटर देन एन जीरो है ना। अब यहां पर एप्सिलॉन का था क्या था और एन जीरो क्या था, इनके ऊपर जाते हैं। एप्सिलॉन इज एनी रियल नंबर एंड फॉर दिस एप्सिलॉन दिस एन जीरो इज पॉसिबल। यहां पर हमने बात की थी ना कि एप्सिलॉन आप कैसा ले रहे हो इस पे एन जीरो डिपेंड करता है। अगर आप एप्सिलॉन खूब बड़ा ले लो तो एन जीरो आपको यही मिल जाएगा सेवेंथ टर्म, एन जीरो छोटा लिया तो उसने कहा 1000th टर्म, समझ आ रहा ना। तो मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्टिंग अ एन जीरो इन नेचुरल नंबर विच सेज दैट एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। यह किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन है कन्वर्जिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन है। मींस इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन्स आर ग्रेटर देन जीरो इन रियल नंबर देयर एग्जिस्टिंग अ नेचुरल नंबर एन जीरो सच दैट
n is greater than or equal to n0 implies that xn minus l is epsilon less than epsilon. मतलब आप कित l जो है, अगर आप एक कोई ऐसा एप्साइलन कोई भी रियल नंबर चूज करो जिसके जो ये कहता हो कि आपके सीक्वेंस में कुछ एक ऐसा टर्म है जिसके आगे बढ़ने पर एल से आपके सीक्वेंस के टर्म्स की डिस्टेंस छोटी होती जाती है, चाहे आप एप्साइलन जितना छोटा ले लो उससे छोटी होती जाती है. मतलब एन जी, आपको ऐसे एन जीरोज भी मिलेंगे कि वो कहेंगे कि एक्सएन और एल की बीच की डिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो चुकी है. तो इसका मतलब limit of xn is equal to l and this means our which where l is a finite, क्योंकि हमारी sequence bounded थी, तो bounded का मतलब है कि supremum जो होगा वो finite होगा. So the limit of our sequence is l which is finite, that means our sequence is converging. ये अभी a half part हुआ है, simple सी चीज है. हमने कहा monotone दो तरीके का हो सकता है, तो हमने सबसे पहले increasing लेके चले, increasing का supremum लिया l. अगर सुप्रीमा हमारा L है तो ये सब किया, ये सब तीन तगड़ा. यहां से जो कॉन्क्लूजन आपको लेने हैं, जो क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट हो सकते हैं, वो ये हैं कि अगर आपका सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग है, बाउंडेड है और उसका सुप्रीमम L है, तो या फिर तो ये L जो होगा वही आपके सीक्वेंस का लिमिट होगा. ये ऐसे नहीं यूज होगी, ये थ्योरम ऐसे यूज होगी अगर आपको कोई सीक्वेंस पता चल जाए कि वो इंक्रीजिंग है. क्या है? इंक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग के साथ साथ बाउंडेड है, और आपसे कहेंगे कि देन फाइंड द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ योर सीक्वेंस. तो सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग है तो इन्फीमम मतलब फर्स्ट टर्म और सुप्रीमम मतलब उसकी लिमिट. लिमिट निकालना इजी है, वी कैन फाइंड आउट इन एनी हाउ, लेकिन वो निकालना इजी नहीं है. अरे वो क्या, ये अपना दूसरी चीज है कि अगर आपकी सीक्वेंस डिक्रीजिंग मोनोटोन है तो आप लोग क्या करेंगे. हालांकि अब आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा, अब आप वीडियो को बंद करके दूसरा पार्ट खुद कर लीजिए, कहीं प्रॉब्लम आए तो देखिएगा, नहीं तो आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. तो दूसरा पार्ट देखते हैं कि इफ अवर सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग मोनोटोन टाइप, डिक्रीजिंग मोनोटोन टाइप. तो इसमें हम लोग थोड़ा शॉर्ट फॉर्म चलेंगे क्योंकि ज्यादातर बातें पहले कर चुके हैं. डिक्रीजिंग मोनोटोन है तो मतलब पूरी थ्योरी आप लिख लीजिए कि आपकी सीक्वेंस xn होगी तो इन्फीमम ऑफ xn होगा कोई l, l क्या होगा आपके सीक्वेंस का इन्फीमम, इन्फीमम का मतलब सबसे छोटी वैल्यू. डिक्रीज कर रही है मतलब x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू xn. तो यहां से आप पता चल गया होगा सबसे बड़ा टर्म पहला टर्म होगा क्योंकि आगे के टर्म डिक्रीज करेंगे. तो x1 इज अवर सुप्रीमम एंड नाउ वी आर गोइंग टू सर्च आउट इन्फीमम. इन्फीमम अगर आपका एल है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको ये लर्न कर लेनी है कि फॉर ऑल एन इन नेचुरल नंबर्स इंप्लाइज दैट एक्स एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल. मतलब अगर एल आपका इन्फीमम है तो आपके सीक्वेंस का हर एक टर्म एल से ग्रेटर होगा. सभी पीछे करके आया ना, सुप्रीमम था तो उससे छोटा होगा, यहां पर इन्फीमम है तो उससे बड़ा होगा. ठीक है, वही चीज है कि अगर ये आपका इन्फीमम है तो मतलब आपके सीक्वेंस के यहां तक के टर्म आपके सीक्वेंस पे मिले होंगे. तो सिंपल सी चीज क्या है कि अगर ये इन्फीमम है, ठीक है, अच्छा इन्फीमम है तो नाउ वी कंसीडर आ एप्साइलन इज ग्रेटर देन जीरो इन रियल नंबर. अच्छा xn इससे ग्रेटर है और ये l जो होगा अगर एप्साइलन जीरो से ग्रेटर है तो l जो होगा वो L माइनस एप्साइलन से ग्रेटर होगा कि नहीं. जैसे मान लेते हैं L 1 था, एप्साइलन था 0.00001, तो ये बताइए ये वैल्यू 1 इससे ग्रेटर होगी कि नहीं. तो वही चीज लिखाना कि L माइनस एप्साइलन इज ग्रेटर देन 1. xn L से बड़ा है, L L माइनस एप्साइलन से बड़ा है, दिस इंप्लाइज xn इज ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन L माइनस एप्साइलन फॉर ऑल n इन नेचुरल नंबर्स. मेरे हिसाब से अब आप खुद कर रहे होंगे, है ना. और अब दूसरी चीज क्या है कि अगर L इसका इन्फीमम था, मतलब यहां पर कोई L था, तो इसके सीक्वेंस इसके जस्ट बगल का रियल नंबर भी इस सीक्वेंस में होगा. तो मतलब अगर हम एप्साइलन कोई एक छोटे से लेंथ छोटी सी छोटी लेंथ का ले लें तो कुछ ऐसे टर्म जरूर होंगे या एक टर्म कम से कम ऐसा जरूर होगा जो हमारी सीक्वेंस, मतलब जैसे हमने एल था इसका वो, अब एप्साइलन लिया, एप्साइलन मतलब राइट साइड पे मूव करेंगे तो एल प्लस एप्साइलन,
मतलब एप्साइलन इतना बड़ा लिया, तो इतने जो टर्म है हमारी सीक्वेंस के, यहां तक एप्साइलन है, सॉरी बड़ा कर लेते हैं, ये एल है, ये एल प्लस एप्साइलन है, तो इस बीच में जितने टर्म है वो क्या है हमारी सीक्वेंस के एल प्लस एप्साइलन से छोटे। देखिए रियल लाइन का आप वो समझते हैं ना कि बाएं साइड का मतलब छोटे, मतलब ये जैसे ये एक्स 38th है तो ये क्या है आपके एल प्लस एप्साइलन से छोटे, तो मतलब वहां पर एक ऐसा एन जीरो होगा मतलब 38 से छोटा मतलब 35 जिसके आगे बढ़ने पर आपके सीक्वेंस के टर्म एल प्लस एप्साइलन से छोटे होते जा रहे हैं। ये चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी आपके, मुझे लग रहा है, बट फिर से एक बार ये आपका इन्फीमम है, ये आपने एप्साइलन चुना तो ये राइट साइड में मूव करे मतलब ये कुछ बड़ी वैल्यू मिल गई, ये 2 था एप्साइलन 1 चूज किया 3, तो अब 2 और 3 के बीच में ये जो टर्म है सीक्वेंस के, और ये टर्म होंगे भी क्योंकि अगर ये इन्फीमम है तो मतलब ये भी आपके सीक्वेंस में जरूर था, नहीं तो अगर यहीं पे आपकी सीक्वेंस फिनिश हो गई होती तो ये इसी को ना इन्फीमम बना लेते, बात समझ आ रही ना, तो अगर ये टर्म था तो मतलब इसके बीच में जो सीक्वेंस के टर्म होंगे वो एल प्लस एप्साइलन से छोटे होंगे मतलब 2 और 3 के बीच में होंगे, तो मतलब एक ना एक एन जीरो यहां पर जरूर पॉसिबल होगा जिसके कह रहे होंगे कि आगे बढ़ने पर आपके सीक्वेंस के टर्म एल प्लस एप्साइलन से छोटे होते जाते हैं। सो देयर एग्जिस्ट अ एन जीरो इन नेचुरल नंबर विच इंप्लाइज दैट एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन जीरो, विच सेज दैट, आप ऐसे लिख लीजिएगा, विच सेज दैट एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट xn इज लेस देन l माइनस एप्साइलन, वही चीज दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लीजिए, ये ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है, ये फॉर सम नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है, तो मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो दोनों का मिक्सचर मिलेगा वो भी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे मतलब सम नेचुरल नंबर्स के लिए ही ट्रू होगा, तो मतलब दोनों को कंबाइन कर लेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड को कंबाइन कर लेंगे तो l माइनस एप्साइलन इज लेस देन xn इज लेस देन l प्लस एप्साइलन फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है, सिंपल सा वही काम, l को सब्सट्रैक्ट कर लेना है तो xn माइनस l इज लेस देन एप्साइलन प्लस का फॉर सम n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, xn माइनस l माइनस एप्साइलन और प्लस एप्साइलन के बीच में है तो मतलब मॉडुलस ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्साइलन या मॉडुलस ऑफ एप्साइलन, चूंकि एप्साइलन एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसको फॉर सम n इज ग्रेटर देन जीरो वेयर n जीरो इज इन नेचुरल नंबर, तो सिंपल क्या हो गई कि हमारा सीक्वेंस मोनोटोनिक बाउंडेड था, तो हालांकि आप जब कीजिएगा तो आप अगर चूंकि आप दोनों एक साथ करेंगे तो अगर आपने सुप्रीमम मतलब फर्स्ट पार्ट जो हम लोग ने किया इंक्रीजिंग वो सुप्रीमम ऑफ एक्सएन को कैपिटल एल कर लेना और इन्फीमम ऑफ एक्सएन को या फिर इसको वाई एन करके इसको स्मॉल एल कर लेना, ठीक है, आप समझोगे, मे बी मेरा मेन काम था कॉन्सेप्ट समझाना तो वो मैंने किया, मेरे ख्याल से क्या है सिंपल सी चीज कि आपको थ्योरम दे रखे हैं और थ्योरम का आपको प्रूफ करना है, थ्योरम का प्रूफ कैसे होगा, सिंपल चीज है, डिक्रीजिंग मोनोटोन है तो ऐसे xn है आपका सीक्वेंस, उसका इन्फीमम मान लिया, अगर ये इन्फीमम है तो सीक्वेंस के सारे टर्म इससे ग्रेटर होंगे, कोई एक एप्साइलन होगा l माइनस एप्साइलन l से छोटा होगा, तो अगर xn l से बड़ा था और l l माइनस एप्साइलन से बड़ा है तो मतलब xn l माइनस एप्साइलन से भी बड़ा होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, कोई भी n0 जरूर वहां पर ऐसा पॉसिबल होगा, ओ सॉरी 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 यहां एक गड़बड़ हो गई ना, लिखने में गड़बड़ हो गई, आई मीन समझाने में सही था कि xn इज लेस देन l प्लस एप्साइलन, सॉरी फॉर दैट, एल प्लस एप्साइलन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया तो वही फिर आगे पीछे का काम था तो वही पूरा उतार लिया, एल प्लस एप्साइलन माइनस फिर दोनों तरफ एल से एल को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो माइनस एप्साइलन और प्लस एप्साइलन के बीच में आपका एक्स एन माइनस एल हो गया फॉर सम एन विच आर ग्रेटर देन एन जीरो, फिर उसके बाद इससे हमको कंक्लूजन मिला कि एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्साइलन फॉर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो सिंपल चीज है कि ये स्टेटमेंट को इंप्लाई कर रहा है कि लिमिट ऑफ योर सीक्वेंस इज एल, अगर आपकी सीक्वेंस इंक्रीजिंग मोनोटोन है तो उसका सुप्रीमम जो होगा वो आपके सीक्वेंस का लिमिट होगा, अगर आपकी सीक्वेंस डिक्रीजिंग मोनोटोन है तो जो आपके सीक्वेंस का इन्फीमम है वो आपकी सीक्वेंस का लिमिट होगा, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको सीक्वेंस दे देंगे आप उसको जज कर लेंगे कि ये इंक्रीजिंग मोनोटोन है या डिक्रीजिंग मोनोटोन, फिर आपसे कहेंगे इसका सुप्रीमम इन्फीमम निकालिए,
तो अगर इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट टर्म उसका इन्फिमम और उसकी लिमिट उसका सुप्रीमम, और अगर डिक्रीजिंग है तो फर्स्ट टर्म उसका सुप्रीमम और फाइन मतलब उसका लिमिट जो होगा उसका इन्फिमम बन जाएगा ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लोगे क्योंकि लिमिट करना थोड़ा इजी होता है। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ था, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कहीं पर प्रॉब्लम है या फिर आपको और भी कुछ थ्योरम्स करानी है तो आप कॉमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।